हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यूनिट पीजी 2023 का पेपर हुआ आपका एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें जूलॉजी सब्जेक्ट की हम आज बात करने वाले हैं। उसका पेपर को अपन सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कंप्लीट जो 100 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं, आपकी कितनी परसेंट थी ग्रेजुएशन के अंदर। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट आने के बाद अपने जो मार्क्स है वो मैच कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और हम बात करें इसके बाद कि इस पेपर के सॉल्यूशन में, कि जब मैंने आंसर की देखी, और हम आगे बात करें कि इस पेपर की आंसर की मैंने मैच करी, जब मैं पेपर को सॉल्व कर रहा था तो आंसर की से जब मैंने उसके आंसर्स मैच करे तो लगभग लगभग सारे आंसर्स आपके सही हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचा है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं उनमें वो डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। वो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर जो आंसर की में दिया हुआ है वही सही आंसर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है, ये आपने आंसर की मिला ली, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं इस साल उन्होंने अपने आंसर की मिला ली होगी, लेकिन ये जो वीडियो है उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है जो नेक्स्ट अटैम्प में इस पेपर को देने वाले हैं, नेक्स्ट अटैम्प में इस पेपर को अटैम्प करेंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को अपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए थे, आपको पता था 100 मार्क्स का आपका पेपर है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प करने थे। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर एच पिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्म्स एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहाँ पे सम्मिति से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें ये कह रहा है कि आप सिर्फ वयस्क इकाइनोडर्म को छोड़ दीजिए। अब जैसे ही आपको वयस्क इकाइनोडर्म आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्टारफिश आनी चाहिए, और स्टारफिश इस तरीके से उसमें पांच भुजाएं पाई जाती हैं, यानी उसकी जो सम्मिति होती है वो पंचरीय होती है, ये हमें क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, और उसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें कौन सी सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो इकाइनोडर्म है वो कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन वयस्क इकाइनोडर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें किस तरीके की सम्मिति पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो उसका सी होगा। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि यहाँ पे असत्य कथन को हमें छांटना है। कथन कौन कौन से, देखिए, फ्लैट वर्म हैव्स ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कह रहा है कि चपटे कृमियों में शरीर संगठन का स्तर अंग तंत्र का होता है, तो यही कथन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे बिल्कुल सही आंसर है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरोस्टोमिया इंक्लूड, यानी ड्यूटेरोस्टोमिया है इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए था कि ड्यूटेरोस्टोम्स होते क्या है। तो देखिए, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटोस्टोम, एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोम। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिनके अंदर सबसे पहले मुख का विकास हुआ, यानी सबसे पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा होता है तो यदि माउथ बनेगा तो उन्हें अपन कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, और यदि सबसे पहले आपका एनस का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, सभी नॉन कॉर्डेट्स बिल्कुल नहीं, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोम में सम्मिलित नहीं होते हैं, इकाइनोडर्म्स होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि कॉर्डेट्स तो सारे के सारे कह सकते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं जिनके अंदर हम भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा इकाइनोडर्म एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर ड्यूटेरोस्टोमिया नाम के ड्यूटेरोस्टोमिया के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना था सबसे पहले कि ड्यूटेरोस्टोम होते क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैशटैग ग्रुप्स इन ब्रेंकियो स्टोमा इज प्रेजेंट एट, यानी कि जो ब्रेंकियो स्टोमा है उसके अंदर हैशटैग की खांच उपस्थित कहाँ पे होती है, तो वो ग्रसनी की छत पे होती है, मुख गुहा की छत पे होती है, आंत्र में होती है, या फिर परिकोष्ठ गुहा में होती है, तो इसका सही आंसर है रूफ ऑफ द वकल कैविटी के अंदर ब्रेंकियो स्टोमा में जो हैशटैग ग्रुप है वो पाई जाती है। ब्रेंकियो स्टोमा का वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये चीज़ वहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द अमीनो एसिड विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ओनली सिंगल कोडोन, यानी कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि सिंगल कोडोन को रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है फेनिल एलेनाइन, दूसरा है प्रोलिन, तीसरा है टायरोसिन और दूसरा है ट्रिप्टोफान, चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी थी कि हमें दो ही अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि सिंगल कोडोन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो आ गया हमारे सामने ट्रिप्टोफान, ठीक है, और दूसरा होता है मिथियोनिन, दूसरा कौन सा होता है मिथियोनिन, तो ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि केवल सिंगल कोडोन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम विद 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज, यानी कि जो 5-3- एक्सोन्यूक्लियस गतिविधि वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट।
ठीक है। पॉलीमरेज जो फर्स्ट एंजाइम है ये क्या करता है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए और उसकी एडिटिंग करने के लिए कोई एरर तो उसके अंदर नहीं आ गया उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जो 5 डेज से 3 डेज एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कौन से पारिस्थितिक पिरामिड हैं जो सामान्यतः उल्टे होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, ये इसका सही आंसर होगा कि जो बायोमास का पिरामिड है समुद्र के अंदर वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, जितने भी पिरामिड्स हैं उसको एक ही वीडियो के अंदर आपको मुश्किल से 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। और इस पर मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि इस पर लेके मैं जरूर वीडियो आने वाला हूँ और उससे आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपका पिरामिड का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाई द प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि निम्न में से कौन सा कार्य है जो प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है O2 ट्रांसपोर्ट, यानी कभी भी प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, यानी निम्न से कौन सी घटना चिकनी अंतःप्रतिबीज जालिका में नहीं होती है, स्टीरॉयड का सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन टॉक्सिक सब्सटेंस, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता, चिकनी अंतःप्रतिबीज जालिका है यानी रफ सॉरी स्मूथ जो RERF के अंदर ही परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपोज एक्सटर्नल गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ जॉस एंड लैक ऑफ बॉडी बोनी एंडोस्केलेटन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि ये फिसेस से लेकर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रोपैथीज और जो आपकी बोनी फिसेस होती हैं, कॉन्ड्रोपैथीज और ऑस्टियोपैथीज जो फेसेज होती हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया, यानी कि जो अनावृत बाह्यकलोम दरारें होती हैं, जबड़ों की उपस्थिति होती है और अस्थिल अंतकंकाल का अभाव होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि अस्थिल अंतकंकाल अगर आप पढ़ लेते और यहाँ पे अभाव नहीं पढ़ते तो आप यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है अस्थिल अंतकंकाल नहीं पाया जाएगा, यानी बोनी एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाएगा, उसकी जगह किस तरीके का पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस उनका जो एंडोस्केलेटन है वो पाया जाएगा। तो ये किसका आंसर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कॉन्ड्रोपैथीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हुए, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। मनुष्य में बी गुणसूत्र सहलग्न रोग का उदाहरण है, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से बच्चे कन्फ्यूज हुए, ये बी गुणसूत्र सहलग्न आपने कहीं पढ़ा है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए, नहीं पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ये है तो देखो एक्चुअल में बाई, ये बनाया था इसको बाई तरीके से, लेकिन मिसप्रिंट की वजह से कैसे भी समझ लीजिए बनाने वाले में गलती हो गई थोड़ी सी, वो उसको बी लिख के चला गया, ठीक, दोनों तरफ उसने बी लिखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यदि हम इसे एक्स समझ लेते तो क्या हो जाता, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन से ट्राई करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कई पेपर्स के अंदर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर लगाना है वो हाइपोट्राइकोसिस लगाना है, और हाइपोट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है कि ये बाई गुणसूत्र सहलग्न रोग है, इसका मतलब होता है कि कान के ऊपर बाल आ जाते हैं पुरुषों के अंदर, ये हाइपोट्राइकोसिस जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये केवल और केवल मेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है जिनके अंदर बाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक भी है, अगर आप चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मे बी ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी झील में स्थित है, ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से लिया गया है और इसका सही आंसर है लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक जैव समष्टि में आनुवांशिक साम्यता विचलित हो सकती है, इंग्लिश के अंदर देखिए द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, यहाँ पे पूछा है यादृच्छिक संगम के कारण यानी रैंडम मेटिंग के कारण, लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ माइग्रेशन और लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लैक ऑफ रैंडम मेटिंग होगा। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, यानी सक्कर एंटेरिकस किससे संबंधित है, क्या वो पेनक्रेटिक जूस से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, इंटेस्टाइनल जूस से संबंधित है, बिल्कुल हाँ, यही इसका सही आंसर होगा, जो आंत्ररस होता है वो सक्कस एंटेरिकस उसे कहते हैं, और आंत्ररस के में क्या इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि जब जो हमारा भोजन है वो आमाशय से निकलता है, स्टमक से निकलता है, तो उसका जो मीडियम वो एसिडिक हो जाता है। अब यदि एसिडिक मीडियम आपका इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो उसको डैमेज कर सकता है इंटेस्टाइन को, इसको बचाने के लिए सक्कस एंटेरिकस का रिलीज किया जाता है जिसमें एंजाइम होता है जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि एसिड के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है और जो फूड है वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो इंटेस्टाइनल जूस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक एम्ब्रियो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अ डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली चूजे के भ्रूण में प्रघात अवशोषी जो उसको शॉक से बचाती है, साथ ही साथ इसको सूखने से बचाती है। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा एमनियन, एमनियन वो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जो कि उसको सूखने से बचाती है, साथ ही साथ उसके शॉक एब्जर्वर के रूप में यानी उसकी एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट को जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बोल्ड अक्षर में भी लिखा हुआ है, नॉट अ फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी का इनमें से फंक्शन क्या नहीं है, ठीक है। तो सिक्रेशन है बिल्कुल गॉल्जी बॉडी का फंक्शन है, इंट्रासेलुलर शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स बिल्कुल ये भी फंक्शन है, बायोसिंथेसिस ऑफ सॉरी बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम बिल्कुल ये भी फंक्शन है, क्या डिग्रेशन ऑफ H2O2 गैस है, नहीं ये कभी भी गॉल्जी बॉडी का फंक्शन नहीं होता, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूट इज, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जा रहे हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, तो वो हमेशा बायोम का निर्माण करते हैं, और एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, तो बहुत सारे इकोसिस्टम के सम को यानी जोड़ को हम क्या कह देते हैं, बायोम कह देते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम के अंदर क्या रहते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपके पेड़ पौधे पक्षी जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, और सभी इकोसिस्टम को मिलकर अपन क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम संश्लेषित होते हैं बैक्टीरिया ओनली, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेस, यूकैरियोटिक सेल, तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया ओनली, यानी हमेशा रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं वो केवल बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड एक्टिव इन प्रेगनेंसी बाय, यानी गर्भावस्था में जो कार्पस ल्यूटियम होती है उसको क्रियाशील कौन सा एंजाइम है वो बना के रखता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका HCG, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सी, यहाँ पे होने वाला है कि जो HCG जो हार्मोन होता है वही क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव बनाए रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डक्ट्स ऑफ बेलिनी आर प्रेजेंट, यानी बेलिनी की नलिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, तो बेलिनी की नलिकाएं किडनी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मोथ बिच प्रोड्यूस टसर सिल्क, यानी टसर सिल्क को बनाने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मैं इसे टफ मानता हूँ, और ये नाम आप याद भी नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो अपन देखेंगे, इसका सही आंसर है एंथीरिया माइलिटा, ठीक है, एंथीरिया माइलिटा, ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्योंकि साइंटिफिक नाम आप ज़्यादा याद कर नहीं सकते किसी भी उसके, तो टसर रेशम बनाने वाले कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, एंथीरिया माइलिटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड, यानी वह प्रोटीन जिनका उपयोग कोशिका के बाहर होता है उनका संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो उनका संश्लेषण हमेशा फ्री राइबोसोम्स के द्वारा होता है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। द स्पेसिफिक कॉन्फिनड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्स वेयर स्टम्ड, यानी ऐसी कौन सी जाति है जो एक क्षेत्र विशेष में रहती है, सीमित पाई जाती है, अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, तो उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं या फिर स्थानिक जाति यहाँ पे कहते हैं, आप इसे हिंदी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सेंट्रम इन रेप्टाइलिन बट्टीपरी आर, यानी सरीसृपों में जो कशेरुक का सेंट्रम होता है वो किस तरीके का होता है, एम्फीसीलस, एसीलस, प्रोसीलस या फिर हेटेरोसीलस, इसका सही आंसर है प्रोसीलस, ठीक है। जो सेंट्रम होता है रेप्टिलिया के अंदर बट्टीपरी में वो किस प्रकार का पाया जाता है, प्रोसीलस प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर्स, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है, कितने जनरल साइंस के क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके चली जाती है, अब प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके इस तरीके से जाती है कि वो माता के अंदर से बच्चे के अंदर चली जाती है, तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडी, तो वो है IgG, वो एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मई के अंदर 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि जो इकोसिस्टम शब्द है किसके द्वारा दिया गया, तो एजी टेंसली के द्वारा ये शब्द है वो दिया गया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी आए थे इस पेपर के अंदर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किंग सोलोमन रिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर के लॉरेंस है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, के लॉरेंस। अगला देखिए, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, किप्स और लोअर कैन, नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, बिल्कुल टेस्टिस के अंदर ये सर्टोली सेल्स हमेशा पाई जाती हैं, पायरी पैचेस के अंदर नहीं पाई जाती, और ऑर्गन ऑफ कॉटाई बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। बाल्बियानी रिंग अकरेन, यानी कि बाल्बियानी रिंग छल्ले कहाँ पाए जाते हैं, लैम्प्रस गुणसूत्र के अंदर नहीं पाए जाते, एलोसोम्स के अंदर नहीं पाए जाते, ZDNA के अंदर नहीं पाए जाते, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के अंदर जो आपके बाल्बियानी रिंग्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट को जरूर से ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, स्टेम सेल कैन बी डेराइव फ्रॉम मेमल्स ओनली, क्या स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनधारियों से ही प्राप्त की जाती हैं। अगला है, स्टेम सेल्स कोशिकाएं चिकित्सकीय थेरेपी के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफाइंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड रिन्यू देमसेल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें गलत लग रहा है वो हमें देखना है, तो वो है इसका पहला ऑप्शन, ठीक है, स्टेम सेल्स कैन बी डेराइव फ्रॉम मेमल्स ओनली, केवल मेमल्स से ही
स्टेम सेल्स डेवलप नहीं की जाती, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड डेयरी कॉल्फ हैज बीन नेम्ड इज, यानी कि प्रथम अनुवांशिक रूपांतरित डेयरी बछड़ी का नाम पूछा गया है, ठीक है, तो उसका नाम कहता है लेक्स, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका नाम कहता है लेक्स। चलिए, जेड डी एन ए क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, रिपीट होगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में जाके देखेगा, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। अगर देखिए, जो जेड डी एन ए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड डी एन ए होता है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे पाए जाते हैं, 12 बेस पेयर पर टर्म के हिसाब से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ डबल हेलिकल डी एन ए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो डबल हेलिकल डी एन ए मॉलिक्यूल होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ए टी जी सी, ए बाई टी का अनुपात स्थिर होता है, जी की मात्रा हमेशा सी के बराबर होती है, ए प्लस जी बटे सी प्लस टी का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, तो इसका सही आंसर है वो पहला ही सही आंसर है, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत होता है, हमेशा ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी होता है, ठीक है, और इन्होंने कह दिया ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी, ये कभी नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, ठीक है। अगला देखिए, इन प्रोकैरियोट्स रिलीजिंग फैक्टर आर एफ आर रिकग्नाइज विद टर्मिनेशन कोडन, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करने वाला था, ठीक है, किस तरीके से, देखिए कि हमने पढ़ा कि समापन कोडन की बात आई हमारे सामने, तो समापन कोडन हमारे सामने तीन आते हैं, यू ए ए, यू जी ए और यू ए जी, ठीक है, तो हम पहले ही ऑप्शन में जाकर टिक कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे समझना था, क्यों, क्योंकि इन्होंने पूछा है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, और मुक्त कारक आर एफ वन के बारे में इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, यू ए जी और यू ए ए, ठीक है, और एक होता है आपका यू जी ई और यू ए ए, ये बिल्कुल आपके क्या होते हैं, समापन कोडन होते हैं, तो यू ए ए हमेशा कॉमन होता है इनके अंदर, और यू ए जी हो सकता है या फिर यू जी ए हो सकता है, ठीक है, और यू ए ए हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली बार क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कभी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर रिलीजिंग फैक्टर के अंदर पूछें आर एफ वन में, तो समापन कोडन की पहचान अपन किस तरीके से करेंगे, यू ए जी यू ए ए के बारे में या फिर यू जी ए यू ए ए, ये दो ऐसे होते हैं समापन कोडन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्सट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस डीऑक्सीराइबो, यानी डीएनए संश्लेषण के लिए सब्सट्रेट है डीऑक्सीराइबो, तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है, तो कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है, जीवन फेज। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आता है जीवन, फिर आता है एस, फिर जी टू, फिर एम, ये फेज आते हैं, तो सबसे लंबा जीवन फेज है, किस तरीके से हमें याद करना है कि जीवन फेज के अंदर कोशिका डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है, तैयारी कर रही होती है, इसको आपको किस तरीके से याद रखना है, देखिए जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा टाइम किसके अंदर लगता है, एग्जाम की तैयारी करने के अंदर हमें टाइम लगता है, ना एग्जाम कंडक्ट होने में टाइम लगता है, एक दिन का काम है एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, महीने दो महीने के अंदर वो उसका रिजल्ट आ जाता है, और दो तीन महीने के अंदर ही क्या हो जाता है उसकी जो हमारे सामने ज्वाइनिंग है वगैरह वो मिल जाती है, लेकिन यदि हम किसी पेपर को टारगेट करके चलते हैं उसकी तैयारी में लगभग एक साल, और कई कई पेपर ऐसे होते हैं जिनमें एक से दो साल तक का भी टाइम लग जाता है, तो टाइम हमेशा तैयारी के अंदर लगता है, पेपर होना उसके बाद रिजल्ट आना ज्वाइनिंग होना बहुत लंबी सॉरी छोटी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन तैयारी के अंदर एक दो साल भी लग जाती है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर जीवन फेज सबसे लंबा चरण होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस प्रोसेस हो रही होती है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। द रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई अप्रॉक्सीमेटली इज 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड या 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, तो इसका सही आंसर होगा 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ प्राइमर यूनिट, तो H1 कभी भी उसका पार्ट नहीं होता, कुछ इस तरीके से यूनिट्स हमें देखने को मिलती है, चार इधर चार पीछे, लेकिन जो लिपटा हुआ होता है उसके चारों तरफ वो कौन होता है H1, ठीक है, तो H1 कभी भी ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, ये हमेशा उसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, ये पहला इसका सही आंसर है। अगला देखिए, द ओनली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स दैट डज नॉट डिसेंबल और फ्रेगमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस फेज, यानी कि समसूत्री विभाजन अवस्था में कौन से एकमात्र कोशिका द्रव्य अंग का वियोजन या विखंडन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं होता, विभाजन नहीं होता, या उसका किसी भी तरीके से वो असेंबल नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं खुद के, वो खुद से अपना प्रोटीन जो है बना सकता है, वो कभी भी डिसेंबल नहीं होता, कभी भी उसके फ्रेगमेंटेड हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला देखिए, अर्बिट्री प्राइमर्स कैन बी यूज्ड इन, यानी कि जो स्वेच्छाचारी प्राइमर हैं उपयोग में लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है REPD, ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन देखिए, फॉर PCR विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि PCR के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है,
टैग पॉलीमरेज बिल्कुल रिक्वायरमेंट जरूरी है हमें। आरएनए प्राइमर, बिल्कुल आरएनए प्राइमर की हमें ज़रूरत है, यही आगे जाके उसको डीएनए को बनाएगा, डीएनए की जो फ्रेगमेंट होती है उससे बनाता है। डीएनए टेम्पलेट और डीएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर की कभी भी हमें पीसीआर के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, डीएनए टेम्पलेट की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या बनाया जाएगा, डीएनए दूसरा बनाया जाएगा। तो डीएनए प्राइमर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आरएनए प्राइमर बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर डीएनए प्राइमर होगा, ठीक है। अगला देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट, यानी कि निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा वेरियंस, यानी कि जो प्रसरण होता है वो कभी भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनर सेल मास आईसीएम ऑफ मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होता है, आंतरिक कोशिका समूह होता है, वो विकसित होता है किससे विकसित होता है, क्या वो ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में विकसित होता है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म में विकसित होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर विकसित होता है, या फिर कोरियोनो एलेंट्रोपिक एलेंट्रोइक प्लेसेंटा के अंदर विकसित होता है। तो इसके सही आंसर की हम बात करते हैं तो ए इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आईसीएम यानी इनर सेल मास है वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 46, व्हेन अ हेटरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर बिल्कुल टेस्ट क्रॉस। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, एक टर्म आप याद रखिए टीआरपी, ठीक है। टी से आपको याद रखना टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आर से याद रखना है आपको रिसेसिव पेरेंट, आरपी से, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। दूसरा इसका ऑप्शन पूछा जाता है सर बैक क्रॉस का, ठीक है। तो जब भी रिसेसिव पेरेंट की बात होगी तो वहाँ पे किसका नाम आएगा, टेस्ट क्रॉस का नाम आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर होगा बैक क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मराइन स्पॉन्जेस इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, तो इसका सही आंसर है यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस की फ्लावर की टोकरी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पॉइजनस स्नेक, के इनमें से कौन सा बेसीन सांप है, तो डिफ्लॉप्स बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये बेसीन सांप है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन की खोज है वो किसने करी थी, तो लेडरबर्ग और टॉटन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्जुगेशन की खोज की थी बैक्टीरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेस्टिंग बिहेवियर इन बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, पक्षियों में नीडन व्यवहार एक उदाहरण है किसका, इम्प्रिंटिंग का, हैबिचुएशन का, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर का, या फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स का। इसका जो सही आंसर है इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एडल्ट एमिनिएट द फंक्शनल किडनी इज, यानी वयस्क एमिनियट्स में क्रियाशील ब्रक होता है, आर्किनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, ऑपिस्टोनेफ्रिक, तो इसका जो सही आंसर है वो मेटानेफ्रिक होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, मेटानेफ्रिक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड, तो खरगोश के अंदर ये प्लेसेंटा पाया जाता है एंडोथेलियोकोरियल, ठीक है। और होमोकोरियल प्लेसेंटा किसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो ट्राइसोमी 21 हो जाती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम कह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो हर्ड मानिया के अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है, इस पर मैंने अच्छी वीडियो बना रखी है, उसे आप जाके देखिएगा, वो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया इन द इंटरनल ईयर ऑफ मेमल्स आर सेपरेटेड बाई अ मेम्ब्रेन दैट कॉल्ड, यानी जो इंटरनल ईयर के अंदर स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई हो किस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट रहते हैं, उसका सही आंसर है रीजियर राइजनल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहते हैं, दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एबोलिशन ऑफ मॉडर्न मैन होमोसेपियन अकर्ड, यानी जो आधुनिक मानव है होमोसेपियन उसका विकास कौन से काल में हुआ था, तो प्लास्टोसीन काल के अंदर, प्लास्टोसीन एरा के अंदर हमें वो जो होमोसेपियंस हैं उनका विकास हमें देखने को मिलता है, एबोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर लैक्स इन द कोलम्बा इज नॉट पेयर्ड, यानी कि इंटर क्लेविगुलर, यानी कि जो कोलम्बा है कबूतर है उसके अंदर निम्न में से कौन से वायु कोश हैं वो युग्मित नहीं पाए जाते, अनपेयर्ड पाए जाते हैं, तो वो है इंटर क्लेविगुलर, ठीक है, यानी अंतराजित्रुक को छोड़िए आप, इंटर क्लेविगुलर जो वायु कोश होते हैं वो युग्मित नहीं पाए जाते, वो अनपेयर्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन बर्ड्स के अंदर, एम्फियोक्सिस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, मेमल्स के अंदर, तो इंसेक्ट के अंदर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमें देखने को मिलता है, क्लीवेज के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी, आप जाके देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू ऑर्डर जिम्नोफोनिया ऑफ क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर एक वर्ग है जिम्नोफियोना, और जिम्नोफियोना के अंदर हमें देखना है कि कौन सा जो एनिमल है वो आता है, यूरियोटिफ्लस, एराइटीज, नेक्ट्यूरस, एम्फियोस्टोमा,
तो इसका सही आंसर होगा आपका यूरियोटिफ्लस। यूरियोटिफ्लस बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, जिम्नोफियोना के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से यदि नेगेटिव मार्किंग होता है तो वो छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप इतनी डीपली नहीं पढ़ सकते कि किसी भी एम्फीबिया के गण के अंदर भी जाके, ऑर्डर के अंदर जाकर भी आप उसके एग्जाम्पल पढ़ने जाएंगे। तो यदि नेगेटिव मार्किंग होती तो आप छोड़ सकते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को के अंदर हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आप जाके इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग फॉर्म के अंदर, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन 4, फिर लिखेंगे इसको 10, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 13, फिर 14 दो बार है, और फिर 16 दो बार है, और फिर 18, टोटल 10 होने चाहिए। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो गए। अब देखिए 4 इधर से छोड़ दीजिए और 4 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में मुझे इन दो को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे 13.5 इसका सही आंसर होने वाला है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो मीडियन है वो निकाल दी थी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर, यानी कि यहाँ से मिसमैच्ड को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हेस्टेड प्लेट पेलीमोन के अंदर, बॉटरियोडियल टिश्यू हिरुडिनिया के अंदर, प्लेकोड स्केल्स लेबिया के अंदर, व्हील ऑर्गन ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लेकोड स्केल्स हमेशा लेबिया के अंदर नहीं पाए जाते, तो यही इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, पाइला के अंदर और वोजिनस पाए जाते हैं, यही बिल्कुल गलत है, तो यानी यही इसका सही आंसर होने वाला है, ये बिल्कुल गलत मैच है। और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर प्रोटोनेफ्रिटा पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बेलनग्लोसस के अंदर ग्लीगेंस पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पैलेमेनियस के अंदर क्या पाया जाता है, मेलपीजन टिबल्स पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर हिस्टोकॉम्पिटेटिव कॉम्प्लेक्स यानी MHC के बारे में पूछा है, इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर RBC, टी सेल्स, बी सेल, मैक्रोफेजेस। तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो MHC कॉम्प्लेक्स है वो किसके अंदर नहीं पाया जाता, मैच्योर RBC के अंदर वो एबसेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर्स एट हाउ मेनी स्टेप्स। तो इसका सही आंसर है 4 स्टेप के अंदर जो ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजनेशन है वो प्रोसेस हो रही होती है, किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर ये प्रोसेस चल रही होती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 रिडक्स रिएक्शन चल रही होती है, तो वही ये पूछ रहे हैं कितने स्टेप्स के अंदर चलती है, तो 4 स्टेप के अंदर वो चलती है, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, यानी कि किसी समष्टि में अप्रतिबंधित जनन क्षमता क्या कहलाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी जैविक क्षमता अपन उसे कहते हैं। अप्रतिबंधित जनन क्षमता यानी कि उस पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन करेंगे आराम से करेंगे, तो उसे अपन कहते हैं जैविक क्षमता कहेंगे, कि कोई जीव है या कोई भी समष्टि है वो कितनी रिप्रोडक्शन करके कितने जीव बना सकते हैं, नहीं तो उसे अपन क्या कहेंगे, जैविक क्षमता कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इज डिफाइंड, यानी प्राकृतिक चीज़ों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, डिफरेंशियल सक्सेशन रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। डिफरेंशियल एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है नेचुरल सिलेक्शन के डेफिनेशन में। अगला देखिए, एडेप्टेशन फाउंड इन डीप सी एनिमल्स इज आर, यानी कि जो गहरे समुद्र में रहने वाले जंतुओं में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, इनकी बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लेंटेड होती है, बिल्कुल सही है। कंकाल फीवल और फ्रेंजल होता है, यानी दुर्बल और भंगुर होता है। प्रेजेंस इन बायोल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन बिटवीन RBC एंड ब्लड प्लाज्मा नोन एज, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, या फिर हैमबर्गर प्रक्रम से कहा जाता है कि बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन का RBC और ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक्सचेंज होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं, या फिर हैमबर्गर प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड फॉर मैमल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। तो लिनोलेनिक एसिड हमेशा एसेंशियल होता है, और इसके साथ साथ एक होता है लिनोलिक एसिड। ये दो एसिड हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, फैटी एसिड्स हैं मैमल्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 17, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द किडनी व्हेन ऑक्सीजन इज लो इन द बॉडी। तो इसका सही आंसर है ANF, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्किन कलर इन मैन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका सही आंसर होने में बहुजीनी वंशागति का। ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ कलर ब्लाइंड मेल ऑफस्प्रिंग इज बोर्न देन द पेरेंट्स आर, तो इसका जो सही आंसर होगा कि पिता सामान्य होगा लेकिन मदर कैसी होगी, कैरियर होगी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, जरूर से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो थाइमस कभी भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं होता, ये हमेशा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉज ऑफ फाइलेरियासिस, तो डेक्यूनोलस मेडेनिशिया बुचलेरिया ब्रैंकोफाइटिस, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, फाइलेरिया रोग का। अगला देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस इज एसोसिएट विद एबनॉर्मलिटी ऑफ,
तो ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फर्स्ट पीयूष ग्रंथि से हमेशा एक हार्मोन सीक्रेट होता है इसकी एबनॉर्मलिटी से डायबिटीज इंसिपिडस हो। इसका जो सही आंसर है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एबनॉर्मलिटी हो जाएगी तो वहाँ से हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएगा जिससे डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। ठीक है, ताल छापर सेंचुरी इज फेमस फॉर, यानी ताल छापर जो अभयारण्य जो कि चूरू के अंदर है वो ब्लैक बक के लिए यानी कृष्ण बक के लिए काले हिरण के लिए वो हमेशा फेमस है। इन मराइन हैबिटेट द मैक्सिमम डीपेस्ट जोन इज कॉल्ड एज, यानी कि जो समुद्री आवास में अधिकतम गहराई वाला क्षेत्र से अपन क्या कहते हैं तो उसे अपन हेडल जोन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल इज नॉर्मल मैन एज, यानी कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन पूछ रहा है तो 0.8 सेकंड उसकी ड्यूरेशन होती है नॉर्मल मेल के अंदर मैन के अंदर। द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रोब बाय मेसन एंड स्टेलर यूजिंग विच आइसोटोप्स, तो N14 N15 का हमेशा उन्होंने यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू सेलेक्ट जीन्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग करके जीनोमिक लाइब्रेरी में से इच्छित जीनों को चुना जाता है, तो इसका सही आंसर वो डीएनए प्रॉब होगा। पहले डीएनए प्रॉब बनाए जाते हैं फिर उनको ले जाके जीनोमिक लाइब्रेरी में इच्छित जीनों को चुना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे कॉज रेथ्रोप्लास्टोसिस फर्टिलाइसिस, तो इसका सही आंसर होगा कि मदर जो है वो आरएच नेगेटिव होगी और फीटस है वो आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट है, मदर आरएच नेगेटिव होगी लेकिन फीटस कैसा हो जाएगा आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। अगला देखिए, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ एन इंपल्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इनसाइड द एक्सोलेमा चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड रिमेन नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। तो सबसे पहले वो क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, फिर किसके अंदर चेंज होता है वो पॉजिटिव के अंदर चेंज होता है, और वापस से किसके अंदर चेंज हो जाता है वो नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाता है, तो बी बिल्कुल इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टू सिंपल्स बाई टी टेस्ट, टी टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल से पूछा गया था, तो टी टेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है डी एफ इज इक्वल टू एन प्लस एन टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजोल्विंग पावर ऑफ एन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम इफ द इल्यूमिनेटिंग लाइट इज, तो यहाँ पे सही आंसर है ब्लू होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा ब्लू, यहाँ पे सही आंसर होने वाला है इसका। अगला देखिए, ब्लैक फुट डिजीज के बारे में पूछा गया, पॉल्यूशन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो ब्लैक फुट डिजीज है काला पांव रोग है ये किसके पॉल्यूशन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक, आर्सेनिक यदि पानी के अंदर है तो उससे ब्लैक फुट डिजीज हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, पेट्रोमाइजोन के बारे में पूछा है, पेट्रोमाइजोन क्या होता है, पेयर्ड फिन्स ऑन द बॉडी नहीं, फिल्टर फीडिंग होते हैं नहीं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन नहीं, एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है यानी कि समुद्र अपगामी प्रवास उनके अंदर पाया जाता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है डी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, कैरीमुलिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिल्कुल सही है, सर एलेक्स जेफ्री डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल सही है, अल्टमैन एंड कीक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और फ्रेडरिक क्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, तो ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये गलत मैच है। ठीक है, करेक्टली पेयर्ड यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए, हाइब्रिडोमा इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स विद बी सेल्स, स्प्लीन सेल्स विद माइलोमा सेल्स, टी सेल्स विद माइलोमा सेल्स, टी सेल्स विद स्प्लीन सेल्स, तो ए इसका सही आंसर होगा, हाइब्रिडोमा टेक्निक के अंदर माइलोमा सेल्स को बी सेल्स के साथ मैच किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डॉर्सल ट्यूबरसल ऑफ हर्डमानिया इज, यानी हर्डमानिया की जो पृष्ठगोलिका होती है वो क्या होती है, फोटो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर होती है, कीमो रिसेप्टर होती है, टेंगो रिसेप्टर एंड रियो रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री एंड गस्ट्रा फैक्ट्री गस्ट्राट्री रिसेप्टर होती है, इसका सही आंसर है ओल फैक्ट्री एंड गस्ट्राट्री रिसेप्टर होती है। ठीक है, अगला देखिए, साइफा के बारे में पूछ रहा है, साइफा में स्पंजोसील लैंड होती है किनके द्वारा, तो साइफा के अंदर हमेशा जो स्पंज गुहा होती है वो पिनेकोसाइट के द्वारा क्या होती है लैंड होती है, यानी पिनेकोसाइट स्कूल्स का उसके ऊपर लैंड के रूप में जम बनी हुई होती है, जमी हुई होती है। अगला देखिए, टू गैसेज मेकिंग हाइएस्ट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज, तो CO2 और CH4 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिक एरिया इज नोन एज, यानी कि किसी एक बिंदु से शुरू होकर एक अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रश्न को क्या कहते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्वल स्टेज ऑफ फैशियोला हेपेटिका विच इन्फेक्ट इट्स इंटरमीडिएट एंड प्राइमरी होस्ट रेस्पेक्टिवली आर, तो यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म होती है फैशियोला हेपेटिका की उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये इंटरमीडिएट को पूछा है, इंटरमीडिएट कौन सी इन्फेक्ट करती है, तो मेरासीडियम और मेटासर्केरिया जो है वो इंटरमीडिएट को क्या करती है इन्फेक्ट करती है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए,
गोनोरिया एक रोग है जो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो गोनोरिया हमेशा किसके, तो गोनोरिया जो डिजीज़ है वो निसेरिया नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला देखिए, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन एज, यानी संक्रमण के बाद जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, तो उसे अपन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चैन ऑफ रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी कि जो छंडनुमा बैक्टीरियाओं की श्रृंखला होती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी इनमें से कौन सा सही से मिले पूछ रहा है? तो एकाइनम डर्मेटा के अंदर एस्टेरियस आता है, बिल्कुल सही है। एफ्रोडाइट आता है, नहीं, एफ्रोडाइट जो है वो किसके अंदर आता है? एनलिडा के अंदर एफ्रोडाइट आता है, एंटीडोन आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मोलस्का के अंदर एप्लाइसिया आता है, टेरिडो आता है, कीटोप्टेरस आता है, और अगला देखिए, पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जिला आता है, यू स्पॉन्ज आता है, एडम्शिया नहीं आता, इनेडेरिया के अंदर आता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर बैलेनस आता है, स्क्विला आता है, यूपेगोरस आता है, तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोलस्का के अंदर कीटोप्टेरस नहीं आता है, एनेडा के अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है? एनेडा, तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि कन्फ्यूजन करने वाला था। ठीक है, कैसा था? कन्फ्यूजन करने वाला, यहाँ पे हाईएस्ट पीएच पूछ लिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करें, मिनिमम करें। ठीक है, किस तरीके से, जैसे सबसे पहला हमारा बड़ा आमाचेरस सबसे कम होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट पूछ रहा है नंबर्स में, हाईएस्ट तो 7.4 होता है किसका, मानव रक्त का, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स फैसिलिटेटेड ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इन इक्वलाई, यहाँ पे भी देखिए क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, यहाँ पे अगर रेप्लिकेशन पूछना होता कि रेप्लिकेशन में अनवाइंडिंग करने के लिए कौन सा एंजाइम होता, तो डीएनए हेलिकेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन वो पूछ रहा है इक्वलाई में ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पहला इसका सही आंसर है, ये भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माइक्रोफाइबर्स, ठीक है, इन स्टेटेड मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है रेखित पेशी में जो सार्कोमियर होता है माइक्रोफाइब्रिल की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जो बनी होती है, तो बैंडों के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए क्या है, वन कंप्लीट ए बैंड एंड वन कंप्लीट आई बैंड, कंप्लीट आई बैंड इन द मिडिल विद हाफ ऑफ टू ए बैंड ऑन इट साइड, कंप्लीट ए बैंड इन द मिडिल विद हाफ ऑफ आई बैंड इन टू साइड, टू कंप्लीट ए बैंड एंड टू कंप्लीट आई बैंड, तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक, कैसे, कि कंप्लीट ए बैंड होता है मिडिल में, बीच में, और दोनों तरफ क्या होते हैं, आई बैंड होते हैं दोनों की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इसके वीडियो के बाद मैं आपको कट ऑफ पे भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि जूलॉजी में कितनी कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड जा सकती है। आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट करिएगा, कितनी आपकी टोटल परसेंटेज बन रही है, वहाँ पे आप 70% जो मार्क्स हैं वो इस क्वेश्चन पेपर के जोड़िएगा, और उसके अलावा जो 30% मार्क्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन के जोड़िएगा। इसके बाद जो आपकी परसेंट निकल के आती है, जो भी परसेंट निकल के आती है वो मुझे आप बताइएगा, विद कैटेगरी आप बताइएगा।